हेलो एवरीवन सो गाइज बहुत सारे रिव्यूर्स जो हैं वो नाउन फ्रेज नहीं समझ पाते हैं वो कह रहे से नाउन फ्रेज के बारे में बताइए हालांकि वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं फिर भी मैं आपको एक बुक से करा रहा हूं बिल्कुल अंग्रेजों का स्टाइल है कि अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं नाउन फ्रेज के बारे में ठीक है तो चलिए गाइज देखिए ये किताब एक्चुअली कैम्ब्रिज ग्रामर ऑफ इंग्लिश है यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नाउन फ्रेजेस बिल्कुल भी हिंदी नहीं है उनका स्टाइल देखते हैं गाइज तो देखिए क्या लिखा है कि नाउन फ्रेज का जो फॉर्म है यहां लिखा है कि नाउन्स एक्ट एज द मेन वर्ड्स मतलब कि जितने भी नाउन्स होते हैं वही मेन वर्ड का काम करते हैं या उनको अंग्रेजों के हिसाब से हेड्स भी कहा जाता है आप उन्हें नाउन कहिए या आप उनको हेड्स भी कह सकते हैं यानी कि मेन हेड हेड जो है मुखिया जो है वही होता है ऑफ नाउन फ्रेजेस तो कोई भी नाउन फ्रेज होगा उसमें जो नाउन होगा वही आपका हेड होगा वही मुखिया होगा अब लिखा है कि नाउन फ्रेज यूजली कंसिस्ट ऑफ अलोंग विद विदिफायर अब ये बहुत बड़ी बात कही गई है इसको देखिए यहां पर बोला गया है कि अगर आपको नाउन फ्रेज समझ में नहीं आ रहा है आप यू देखिए नाउन फ्रेज पहले तो जो लोग नाउन फ्रेज सीखना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में बात करते हैं जो भी सब्जेक्ट होता है वो एक नाउन है ठीक है इस नाउन को हम अलग से एक नाम दे देते हैं प्रोनाउन का हम अब किसी का नाम चंदन है हम उसे ही कह देते हैं अगर किसी का नाम पूजा है उसे शी कह देते हैं तो ये हम उसे प्रोनाउन देते हैं कि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े तो हम अभी सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं सिर्फ अगर मैं नाउन की बात करूं तो अगर मैं कहता हूं कंपनी कंपनी एक नाउन है अगर मैं कहता हूं डेली डेली एक नाउन है अगर मैं कहता हूं फ्रेंड तो फ्रेंड भी एक नाउन है तो ये जो आप नाउन देख रहे हैं यही आपका मेन है हेड ये नाउन है तो किसी भी नाउन फ्रिज के अंदर एक आपका हेड होगा यानी कि एक नाउन होगा और वो मोडिफायर से जुड़ा होगा देख लीजिए किताब क्या कह रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं बुक कह रहा है कि ये कंसिस्ट ऑफ बना होता है अ हेड एक हेड होगा यानी कि जो मेन नाउन है अलोंग विद मोडिफायर्स मोडिफायर्स उसके साथ में होंगे यानी कि जो आपको जब दिखाई देगा तो यूं समझ लीजिए कि एक ये हो गया मोडिफायर बीच में आपका वो नाउन है जिसको आप हेड कह लीजिए ये नाउन है और फिर यहां पर आपको एक दिखाई देगा मोडिफायर जरूरी नहीं है कि आपको नाउन के दोनों तरफ बकायदा दोनों मोडिफायर दिखाई देंगे कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक मोडिफायर होगा मोडिफायर यहां पर आपका नाउन होगा बस उसके बाद नॉर्मल एक सेंटेंस शुरू हो जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह होता है एक सेंटेंस शुरू हो जाएगा आपका तो ये जरूरी नहीं है कि इसके बगल में एक और मोडिफायर हो और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक नाउन है और इसके बाद सीधा इधर वाला मोडिफायर है यानी कि दो तरह के मोडिफायर आप देख सकते हैं यहां पर जो आप मोडिफायर देख रहे हैं और एक यहां पर एक मोडिफायर देख रहे हैं यानी कि यूं समझ लीजिए कि जो सबसे पहला मोडिफायर है इसको हम क्या कहते हैं प्री मोडिफायर और जो दूसरा मोडिफायर है एक मिनट जरा स्पेलिंग प्री मोडिफायर जो दूसरा मोडिफायर है उसको हम कहते हैं पोस्ट मोडिफायर यही है दोस्तों प्री पोस्ट ये दो मोडिफायर होंगे अब फिर किताब को पढ़ते हैं लिखा है और अ कॉम्प्लीमेंट कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है देखिए मोडिफायर्स अकर बिफोर द हेड प्री मोडिफायर साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई मोडिफायर हेड से पहले आता है हेड से पहले का मतलब क्या है कि भाई ये हमारा जो फ्रेंड है ये हमारा हेड है ये मेन नाउन है तो इससे पहले अगर कोई मोडिफायर आ गया अगर मैंने बोल दिया कि माई बेस्ट एक्सक्यूज में पहले जो माई बेस्ट आया है ना दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं प्री मोडिफायर साफ लिखा हुआ है यहां पर देख लीजिए मोडिफायर अकर बिफोर द हेड अगर हेड से पहले अकर होता है उसको हम बोलते हैं प्री मोडिफायर्स एंड आफ्टर द हेड अगर वो हेड के बाद आता है वो क्या कहलाता है पोस्ट मोडिफायर्स मैं नहीं कह रहा हूं किताब कह रहा है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि, कि आप ना अंग्रेजों की किताब पढ़ो जो इंग्लिश राइटर्स हैं ना उनको आप पढ़ो अंग्रेजी वहीं से तो आई है उनको देखो कि वो भी तो ग्रामर का एक एक डिटेल आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से हाँ वो अंग्रेजी में समझाते आपको ताते ती चुका चुक की नहीं मिलेगा दोस्तों इनको पढ़ो और सीखो इनसे एनीवेज तो प्री मोडिफायर्स और पोस्ट मोडिफायर्स समझ में आ गया अब क्या लिखा है कि प्री मोडिफायर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स अब प्री मोडिफायर में क्या क्या हो सकते हैं तो कुछ तो भाई डिटरमाइनर्स होंगे जैसे कि आपको कहीं पर ए दिखाई देगा कहीं पर एन दिखाई देगा दिखाई देगा दिस ऑल एनी सम कहलाते हैं डिटरमाइनर कहलाते हैं अगर मैं बात करूं कि भाई प्री मोडिफायर्स के अंदर क्या क्या आ सकते हैं <clears throat> अगर मैं कहता हूं कि बॉय oh तो ये अ oh बॉय जो है ना ये भी अपने आप में हमारा एक नाउन फ्रेज हो चुका है क्यों क्योंकि बॉय हमारा एकदम मेन है जो हेड है वो बॉय है और बॉय से पहले ये ये जो ए लगा है ना भी प्री भीफायर ही है तो प्री मोडिफायर के अंदर आपके होते हैं में वही होता है ए एन द ऑल माय योर हिज ये सब डिटरम्स कहलाते हैं तो ये आप समझ गए कुछ भी हो सकता है छोटा सा ए भी आ गया ना तो ए से लेके बॉय तक को आप नाउन फ्रिज कहेंगे तो कहेंगे समझ गए चलिए और क्या क्या हो सकता है हम समझ गए कि भाई डिटर्मिनट हो सकते हैं अब हो सकते हैं जैसे ब्लू अलग अलग जो नाम यहां पर लिखा हुआ है अब देखिए कैसे हो सकते हैं अगर मैं यहाँ पर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि दूर लिखू मैन सिर्फ इतना लिख दो बैड मैन ये मैन हमारा मेन हेड है नाउन है और ये ये जो बैड आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है तो ये भी तो प्री मोडिफायर है तो प्री मोडिफायर आपका डिटर्मिनट भी हो सकता है एडजेक्टिव भी हो सकता है हो सकता है दोनों हो अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि अ बैड मैन तो लीजिए दोनों हो गया ये आपका आपका uh, हो हो गया ये आपका हो गया एडजेक्टिव मैन आपका नाउन है यहां से लेकर यहां तक एक नाउन फ्रेज बन गया नाउन फ्रेज को समझिए टुकड़ों को समझिए प्री मोडिफायर के अंदर डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव होते कई बार एक और देख लीजिए क्या है एंड अदर नाउन कई बार नाउन भी होते हैं एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है कैसे जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो गवर्नमेंट स्कूल तो स्कूल हमारा क्या है नाउन है और ये गवर्नमेंट भी हमारा नाउन ही है बट यहां पर ये यह एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है तो प्री मोडिफायर के अंदर जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं वो एडजेक्टिव कैटेगरी ही तो बन जाएगा ना वो एडजेक्टिव का ही काम करने लगेगा आप उसे डिटर्मिनर कह दीजिए आप उसे आर्टिकल कह दीजिए जो कह दीजिए वो कहीं ना कहीं एक डिफाइन कर रहा है आपकी विशेषता बता रहा है तो यही है प्री मोडिफायर समझ गए चलिए

और ये क्या हो गया बिल्डिंग क्या हो गया एक नाउन हो गया तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी लगा होगा ये, ये पूरा मिलाकर के बना एक प्रेपोजिशनल फ्रेज पूरा मिलाकर के तो ये एक नाउन ऐसे नाउन होगा और उसके बगल में ये लिखा हुआ होगा मान लीजिए जैसे मैं करके दिखाता हूं अगर मैं ऐसे लिख दू मैं लिखूं कि बॉय इन बिल्डिंग बॉय इन द बिल्डिंग वॉज क्राइम मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ठीक है यह सेंटेंस हमारा पूरा हो गया हमारा वॉज क्या है भाई ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी भी वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है अब यह सब्जेक्ट क्या है क्या ये क्लॉज है या फ्रेज है ये आपका फ्रेज है क्यों फ्रेज है भैया देख लीजिए बात हम कर रहे हैं बॉय की बॉय हमारा मेन हो गया जो हैड कहते हैं ना ये बॉय हो गया इस बॉय से पहले क्या आया

समझ गया? पूरा मिलाकर हो गया आपका नाउन फ्रेज चलिए आगे देखें तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको मिलेगा इधर पोस्ट मोडिफायर में जैसे पर लिखा है कि एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद इंश्योरेंस पॉलिसी और ये जो विद प्रॉफिट्स आ गया ये आपका हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज चलिए उसके बाद है कि एक रिलेटिव क्लॉज हो सकता है रिलेटिव क्लॉज का मतलब एडजेक्टिव क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं हु से से ये भी आपको उस नाउन के बगल में दिखाई देगा और पूरे को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे नाउन फ्रेज बोलेंगे कितना बड़ा वो हो जाएगा देख लीजिए लिखा है कि द स्टूडेंट हु नीडेड टू स्पीक टू यू द रिपोर्ट देख लीजिए तो द स्टूडेंट बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट की मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं अगर मैं ऐसे लिखूं कि द स्टूडेंट स्टूडेंट हुई होम सिर्फ इतना एक सेंटेंस मैंने लिख दिया केम हमारा क्या है बॉस वर्ब है ठीक है यह हमारा वर्ब है तो भैया वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा देखिए ना तन कितना बड़ का सब्जेक्ट है यहां से लिखे यहां तक आपका है सब्जेक्ट है अब ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये क्या है कोई पूछ दे क्या है ये ये नाउन फ्रेज है कैसे पता चलेगा कि नाउन फ्रेज पता चलेगा ना ढूंढिए ना इसमें जो main, जो आपका head है उसको ढूंढिए बात हम किसकी कर रहे student की student वो हमारा क्या हो गया भैया ये हमारा हो गया एक noun, जो बॉस है, है इस बॉस से पहले क्या आ रहा है ये द आ रहा है ये द आर्टिकल है ये आर्टिकल फार्टिकल ये सब प्री मोडिफायर में आते हैं ना ये प्री मोडिफायर हो गया ठीक है स्टूडेंट के बगल में एक हू लग गया है ये हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से जो वाक्य बनता है वो पूरा क्या कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है उसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं अंग्रेज लोग रिलेटिव क्लॉज कह देते हैं इसको तो ये देख रहे हैं? तो ये रहा आपका प्री मोडिफायर ये रहा आपका पोस्ट मॉडिफायर ये पूरा मिलकर बन गया आपका नाउन फ्रेज समझ में आया दिस इज नाउन फ्रेज चलिए ये हो गया तो ये एग्जाम्पल्स लिखा हो जैसे यहां लिखा है कि द रिपोर्ट That was published in 1997. तो देख लीजिए, हमारा क्या है Main head है, head है ये। ये क्या है ये ये है। है, है। और ये that क्या है? एक relative pronoun है. और क्या एक जो देख रहे हैं ना पूरा ये आपका एक adjective clause बन गया, तो ये पोस्ट मोडिफायर हो गया तो प्री मोडिफायर नाउन पोस्ट मोडिफायर कहीं कहीं पर एडवर्ब फ्रेजेस भी होते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ कि द रूम या द लेक्चर यस्टरडे कई बार ऐसे भी होगा जैसे लिखा हुआ है ना कि द रूम अप स्टेयर्स ये अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स ये सब क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं तो ये आप देख लीजिए रूम हमारा मेन नाउन है ये द क्या हो गया भाई प्री मोडिफायर और ये खाली अप स्टेयर्स लगने से इसको भी हम पोस्ट मोडिफायर कहेंगे ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रिज बनकर तैयार हो गया क्लियर अब आप नाउन फ्रिज को पहचान चुके हैं अब देखिए अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व अब इसके अंदर पहचानिए ये जो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम यही आपका मेन जो नाउन है ये मेन प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम है और ये जो द जो देख रहे हैं ये क्या है प्री मोडिफायर अब खुद ही देखिए कैसे है ये लिखा है ऑल द ऑफिस इन द बिल्डिंग आर क्लोज अब यहां पर देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है ऑफिस ये जो ऑफिस है यही आपका मेन नाउन है इस ऑफिस से पहले क्या आ गया ऑल द आ रहा है ये ऑल ये भी प्री मोडिफायर है ये दो, ये भी प्री मोडिफायर है। तो ऑल हमारा डिटरमाइनर्स के अंदर आ जाता है ये द हमारा आर्टिकल के अंदर आ जाता है लेकिन है सारा का सारा प्री मोडिफायर अब इस के बाद देखिए यहां लिखा है इन द बिल्डिंग अब ये इन द बिल्डिंग क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो ये हो गया आपका पोस्ट मोडिफायर ये पूरा का पूरा मिलाकर बन गया आपका नाउन फ्रेज अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा यही तरीका है समझने का आप तोड़ तोड़ के समझिए यहां लिखा है कि ही इज एन ओल्ड मैन us. नियर देख लीजिए हम यहां बात कर रहे हैं ओल्ड मैन ये मैन हमारा मेन नाउन है जो हेड है बॉस हमारा मैन है मैन से पहले क्या आया ओल्ड ओल्ड क्या है भैया एडजेक्टिव है ये बता रहा है तो ये प्री प्रीमोडिफायर कैटेगरी में आ गया

ओके okay, जी अब है कि भाई नाउन फ्रेज जो है वो फंक्शन क्या करता है ये काम कौन कौन से करता है ये समझना बहुत जरूरी है अगर मैं आपको समझाऊं कि नाउन फ्रेज का फंक्शन क्या है देखिए अभी तो आपने देखा कि नाउन फ्रेज क्या है अब है कि फंक्शन ऑफ फ्रेज ज्यादातर आपको जो दिखाई देगा आप पकड़ सकते हैं ज्यादातर तो सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा बड़ा बड़ा आपका सब्जेक्ट होगा कैसे जैसे अगर ऐसे लिखा हो अ ब्यूटिफुल गर्ल अ ब्यूटिफुल गर्ल इन दैट फ्लैट वॉज स्टेयरिंग मी, इतना बड़ा एक सेंटेंस लिखा हुआ है हमने देखा भाई वॉज क्या है वर्ब है वर्ब से पहले क्या होता है सब्जेक्ट होता है ठीक है अब इस सब्जेक्ट में ये क्या है सब्जेक्ट ये नाउन फ्रेज है क्यों बात कर रहे हैं गर्ल की गर्ल हमारा मेन हो गया जो हेडिंग है जो हेड है वो गर्ल है गर्ल से पहले क्या आया अ oh ब्यूटीफुल ये प्री मोडिफायर है जिसके अंदर ए आपका आर्टिकल है ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है इन दैट फ्लैट ये क्या है भैया ये इन दैट फ्लैट हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये पोस्ट मोडिफायर हो गया तो बनकर तैयार हो गया ना आपका नाउन फ्रेज काम क्या कर रहा है फंक्शन क्या है सब्जेक्ट है क्यों सब्जेक्ट है क्योंकि भाई वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो यानी कि एक नाउन फ्रेज एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट का रूप धारण कर सकता है उस सब्जेक्ट को आपने पूरा उसको डिस्क्राइब करके इतना बड़ा सब्जेक्ट बना दिया है जो कि नाउन फ्रेज का रूप धारण कर चुका है ठीक है चलिए दूसरा ये काम क्या करता है दूसरा ये काम करता है भैया जो मेन है ये ऑब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा ओके आई सॉ ब्यूटीफुल आई सॉ ब्यूटीफुल गर्ल

जो व्हाट का जवाब दे दे वो ऑब्जेक्ट है जो हुम का जवाब दे दे वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे क्या मिल रहा है अ अ गर्ल हु वाज विद गाय नियर माय हाउस इतना बड़ा जो मिल रहा है भैया आपका पूरा का पूरा का एक नाउन फ्रेज है कैसे है देख लीजिए बात हम गर्ल की गर्क कर रहे हैं गर्ल हमारा मेन हेड है उसके बाद ये जो अ अब्यूटिफुल है ये प्री मोडिफायर है और ये जो हु से है रिलेटिव प्रोनाउन पूरा का पूरा क्लॉज बना रहा है ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया समझ में आ गया ये दो मेन है बाकी आप इसको पढ़ेंगे आगे किताब में लिखा होगा आप जब किताब में पढ़ेंगे तो ये आपको ऐसे भी दिखा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होगा कॉम्प्लीमेंट आपको ऐसे भी दिखाएगा कि प्रेपोजिशन के फ्रेज के रूप में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा प्रे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन यानी कि चार इस्तेमाल है ज्यादातर आपको पहला दूसरा इस्तेमाल दिखेगा चलिए किताब पे आ जाते हैं फंक्शन देखिए या लिखा है कि नाउन फ्रेजेस कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट यानी को सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है ऑफ अ क्लॉज है कि ऑफ अ क्लॉज नाउनफ्रेज इन अच्छा एक क्लॉज के रूप में भी काम कर सकते हैं या लिखा है कि हर ब्रदर मेंडेड कार अब इस सेंटेंस में हमें ढूंढना है कि नाउन फ्रेज है कि नहीं है, है तो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है मेंडेड हमारा वर्ब है वर्ब से पहले क्या होता है बॉस सब्जेक्ट होता है यही हमारा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में ब्रदर ब्रदर हमारा मेन हो गया हेड और इससे पहले ये 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 लिखा हुआ है, ये आपका में आ गया गया। यानी कि तो पूरा पूरा का पूरा एक noun phrase बन गया। काम क्या कर रहा है इस कार से पहले आवर है तो आवर यानी कार को मॉडिफाई कर रहा है तो पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया पोस्ट मॉडिफायर तो प्री मोडिफायर बीच में नाउन है इधर पोस्ट मोडिफायर तो इधर भी आपका नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट का, का काम कर रहा है और इस वर्ब के तुरंत बाद भी एक नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है तो साफ पता चल रहा है कि नाउन फ्रेज एक सब्जेक्ट भी बनता है एक ऑब्जेक्ट भी बनता है क्लियर लिखा है यू आर अ गुड फ्रेंड अब यू आर अ गुड फ्रेंड ये क्या है तो यहां पर ये एक कॉम्प्लीमेंट का, का काम कर रहे यहां पर लिखा है ना ऑफ अ क्लॉज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ क्लॉज तो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कैसे मैंने आपको अभी बता दिया था कि किताब में कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा कैसे कॉम्प्लीमेंट का काम करता है देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अगर मैं कहता हूं कि शी इज अ टीचर ओके मैं कहता हूं कि माई 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 गर्लफ्रेंड माई गर्लफ्रेंड इज ब्यूटिफुल तो ये जो आप देख रहे हैं ना टीचर टीचर क्या है

उसी तरीके से माई गर्लफ्रेंड इज ब्यूटीफुल तो ये गर्लफ्रेंड क्या है ब्यूटीफुल है तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका एक कॉम्प्लीमेंट हो गया इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेगे तो इसी तरीके से एक नाउन फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है यू आर अ गुड फ्रेंड अब देख लेते हैं यहां पर अगर मैं लिखता हूं कि यू आर अ गुड फ्रेंड तो ये तो पता चल गया कि भाई जो फ्रेंड अगर सीधा रहता है यू आर फ्रेंड फ्रेंड हमारा कॉम्प्लीमेंट है लेकिन कॉम्प्लीमेंट एक अक्षर का भी मतलब एक वर्ड का भी हो सकता है नाउन का और ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज भी हो सकता है तो ये अ गुड फ्रेंड जो है एक नाउन फ्रेज है क्यों क्योंकि फ्रेंड हमारा मेन नाउन है और ये जो गुड और ये जो ए देख रहे हैं ना ये इसका प्री मोडिफायर है तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है समझ गए चलिए उसके बाद ये एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनेगा शायद इस किताब में लिखना चाहिए देखते हैं

चले गए ये हो गया अब मैं आपको यहां पर फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स न्यूज के दिखाता हूं जो मैंने न्यूज से उठाए हैं उसके बाद खत्म करते हैं इसको तो गैस देख लेते हैं यहां पर एक गो जी यहां पर लिखा है कि अ चल नहीं रहा यहां पर लिखा है कि रेजिडेंट ऑफ दोमो दो मोहानी एरिया इन जल जलपाईगुरी डिस्ट्रिक्ट वाज वन ऑफ द मेनी हु रेस्क्यू अब ये वाज हमारा क्या है ये हमारा वर्ब है इस वर्ब से पहले क्या होगा भैया सब्जेक्ट होगा तो देख रहे कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज है कैसे नाउन फ्रेज है देख लेते हैं बात हम कर रहे हैं रेजिडेंट की रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी तो ये आपका मेन तो यही हो गया इससे पहले ए आ रहा है ये ए क्या हो गया प्री मोडिफायर हो गया और ये जो आप देख रहे हैं ऑफ दोहानी दो एरिया ये एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है इन जलपाईगुरु डिस्ट्रिक्ट एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है तो पूरा का पूरा आपका हो गया पोस्ट मोडिफायर तो ये समझ में आ गया ये नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का, का काम कर रहा है यहां देखिए द मेडिकल थ्रिलर रिवॉल्व अराउंड अनएथिकल ह्यूमन अब देखिए द मेडिकल थ्रिलर ये आपका देखिए रिवॉल्व हमारा वर्ब है तो वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है तो द मेडिकल थ्रिलर ये पूरा का पूरा देख रहे है? एक नाउन फ्रेज है क्लियर हो गया चलिए यहां पर है रिवॉल्व अराउंड अराउंड आपका प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद भी आ गया आपका अनएथिकल ह्यूमन ये भी आपका एक नाउन फ्रेज है तो प्रेपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल देख, देख लिया आपने और वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट का हो, होता है इस्तेमाल वो भी देख लिया पूरा अनएथिकल ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ अ बैंड ड्रग पूरा इतना बड़ा है फटाफट खत्म करते हैं यहाँ लिखा है विपुल इज अ चिल्ड आउट गाय टू वर्क विद अब ये इज हमारा वर्ब है वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर ये एक एक सिंपल एक नाउन है नाउन फ्रेज नहीं है एक नाउन है विपुल अब यहाँ इज के बाद ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है और ये कॉम्प्लीमेंट का, का काम कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि इज आर एम वाज वर्ग के बाद जो आता है वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि यू आर गुड बॉय और शी इज अ बैड गर्ल इस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट है तो ये देख रहे हैं अ चिल्ड आउट गाय टू वर्क विद ये गाय हमारा मेन नाउन है और इससे पहले आप देख लीजिए इधर प्री मोडिफायर इधर पोस्ट मॉडिफायर पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है ये कॉम्प्लीमेंट का, का काम कर रहा है यह लिखा है कि माई वर्किंग स्टाइल हैज ड्रास्टिकली अब हमारा हैज वर्ब है वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो माई वर्किंग स्टाइल पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है हो गया चलिए उसके बाद लिखा है कटरीना एंड विकी टाइड द नॉट इन अशह अब टाइड हमारा वर्ब है तो वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है तो कटरीना एंड विकी ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है टाइड वर्ब है क्या टाइड तो द नॉट इन अ हश ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता तो बस थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल दिन टेक केयर की प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन थैंक यू गाइज थैंक यू